21 My Lord, in the last date of hearing, the Lordship was pleased to issue notices to the respondent, Lordship. Respondent number 4 to 11 are judgment debtors, Lordship, as I am the judgment debtor. So they have shifted to Baroda, Lordship. They are not required to be heard for the. You are also a judgment debtor. I am judgment debtor. I am again the सिविल प्रेजेंट का ऑर्डर कर दिया था. लॉर्डशिप ने बोला था कि आप 50% जमा कर दीजिए, तो उस समय हमने इंस्ट्रक्शन नहीं ले पाए थे उनसे. अभी अब लेने अब वो बोल रहे हैं हम 50% सब्जेक्ट टू दैट कंडीशन लॉर्डशिप दे विल नॉट बी एबल टू विड्रॉ द अमाउंट. क्यों? लॉर्डशिप अभी उनने फाइनल डिक्री हुई नहीं है और उनने बिना डिटर्मिनेशन के उसमें सिविल प्रेजेंट का ऑर्डर कर दिया, एक जबकि वो सब स्टे कर देंगे। आप जमा कितने दिन में कर देंगे? आप पहले टाइम लिमिट बता दीजिए कि लॉर्डशिप जमा। हमारा इसमें क्या है, 84 लाख की डिक्री है लॉर्डशिप हाँ और 12 लोग हैं. ये जो 4 से 11 हैं ये ऑलरेडी ये शिफ्ट हो गए, हम लोग का पार्टनरशिप फॉर्म है. हाँ तो हमारा जो एंड है, हमारे जो पटिशन नंबर 1, 2, 3 के जो भी परसेंटेज पार्टनरशिप फॉर्म के, उसका हम 50% जमा करने नहीं लगे. नहीं नहीं ये सब नहीं। टोटल अमाउंट दैट इज इंटर सी डिस्प्यूट बिटवीन यू एंड योर नहीं अदर सर, वो पार्टनर्स। पार्टनरशिप फॉर्म में उन लोग को ही परसेंटेज से 40% मिल रहा है. नहीं, मिल रहा होगा तो फिर या तो उनको सर्व करिए। नहीं, हमारे जो जजमेंट डेटर लॉट हो, आप हमें इतना मालूम है दैट देर इज अ जॉइंट जॉइंट एंड सेवरल डिक्री। इट कैन बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स। सो देयर फोर इफ यू आर विलिंग टू डिपॉजिट 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ द सर टोटल। उसका उत्तर 84 लाख का हम 3 लोग कैसे करेंगे लॉट सर? तो आप वसूली का दावा लगा लीजिए। आप तो इतने बड़े सिविल के वकील हैं, अगर आपको आज किसी और पार्टनर को इंडेमनीफाई करने के लिए और अपने को सुरक्षित करने के लिए कोई पैसा जमा कराना पड़ रहा है तो यू कैन ऑलवेज रिकवर इट फ्रॉम द अदर पार्टनर्स। लॉर्डशिप सब दैट राइट स्टिल एग्जिस्ट इन यू। सब लोग 75 साल के आप ऊपर क्या के कर सकते हैं हैं, क्या कर और सब सकते शिफ्ट हो गए हैं बड़ौदा. यहाँ हम लोग 3 लोग बचे हैं हैं? और हम लोग 3 लोग भी आपको शिफ्ट होने से पहले पैसा तो जमा करवा नहीं लेंगे हम। नहीं वो तो है, परंतु सर हम अपने पार्ट का जमा करने को तैयार नहीं हैं. नहीं वो सब नहीं। फिर स्टे नहीं, मनी डिग्री वैसे स्टे नहीं होती। चलिए तो इनको एग्जम्पशन का हम इनको पेटिशनर को तो प्लेंटिव डिग्री होल्डर को सर्व कर दें, 1, 2, 3 डिग्री होल्डर से लॉर्डशिप हाँ, उनको भर, बाकी 4 से 11 करेंगे तो कभी मुकदमा लग नहीं पाएगा, सर्विस नहीं हो पाएगी लॉर्डशिप तो बड़ौदा की. पब्लिकेशन से कर दीजिए ना, वो तो आप ही के पार्टनर हैं। पब्लिकेशन से सर्व कर दीजिए, उनको पब्लिश लॉर्डशिप करा इसमें दीजिए। उन लोग इस इंप्यूट ऑर्डर में उनको सुनने की जरूरत नहीं है लॉर्डशिप, सिर्फ डिग्री होल्डर को नहीं सुनने की नहीं जरूरत नहीं नहीं वो तो ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन उनको भी सर्विस करा दीजिए आप थ्रू है. नहीं पब्लिकेशन। हम पीएफ दे सकते हैं परंतु तो वो सर्विस नहीं हो पाएगी, मैं जानता हूं, क्योंकि इसी वजह से पिछले 15 साल से लोअर कोर्ट में सर्विस नहीं हो पाई थी, ठीक है, इसलिए कोई उनका बात डिले नहीं। हुआ. आपने पब्लिकेशन क्यों नहीं कराया? नहीं वो तो डिग्री होल्डर का काम था लॉट है, हम क्यों हाँ ठीक, पब्लिक. हाँ नहीं, डिग्री होल्डर का ही काम था। अब आप करा दीजिए क्योंकि आप ही के पार्टनर हैं ना, फिर आपको भी लॉर्डशिप तो। हम भी वही करेंगे, इसमें मुकदमा नहीं हो पाएगा हमारे, मतलब जो जिसके लिए हाई कोर्ट आए वो हो नहीं पाएगा. नंबर 1 से 3 को कंसर्न है इस आप ऑर्डर में पैसे कितने दिन में जमा करा देंगे? अपने लॉर्डशिप, हम अपने पार्ट का कर सकते हैं. पार्ट का नहीं, नहीं फिफ्टी सर परसेंट ऑफ दी हम जजमेंट बाकी का डिक्री। नहीं कर पाएंगे, चलिए हम जेल तो जाने को फिर, तैयार हैं. चलिए लिखिएगा। तो सर 4 से 11 को तो एग्जाम कर दें सर्विस से नहीं सर. नहीं उसको पब्लिकेशन से सर्विस करिएगा। लिखिएगा, लेट रिस्पॉन्डेंट्स नंबर 4 to 11 बी सर्व थ्रू पब्लिकेशन इन अ न्यूज़पेपर हैविंग वाइड तो सर्कुलेशन। सर सभी के लिए कर देना लॉर्डशिप, वो 1 से 3 भी बड़ौदा में रहते हैं. हाँ जी ठीक है, जी सभी के लिए कर फॉर दें. ऑल द रिस्पॉन्डेंट्स थ्रू पब्लिकेशन इन अ डेली न्यूज पेपर हैविंग वाइड सर्कुलेशन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बड़ौदा वेयर। बड़ौदा सर कुछ गुजरात में और सूरत गुजरात में में है, और कहाँ है बताइए ना। ये अहमदाबाद के हैं 1 से 3, एक सर सूरत का है, एक इसमें अहमदाबाद का है. अहमदाबाद, फिर उसके बाद में करिएगा जबलपुर के भी तो हैं ये हाँ जबलपुर में भी, ये 3 लोग जबलपुर के हैं. 3 लोग। जबलपुर के नहीं है भाई, हाँ वो आ गए, सभी तो जबलपुर के हैं ये। 7, 8, 4, 5, 6 का आपने कोई पता नहीं डाला। सर नंबर 1, 2, 3 तो गुजरात अहमदाबाद हो गए, ठीक अहमदाबाद हो गए, है। और 4, 5, 6 का आपने कोई पता नहीं ये डाला। सब जबलपुर के एड्रेस हैं, लेकिन सब शिफ्ट हो गए हैं वो. हम हाँ जो ठीक है, उनके उसमें कॉस्ट फैक्टर में था वही किया था सर हमने. ठीक है, चलिए। अहमदाबाद कॉमा बड़ौदा कॉमा सूरत एंड जबलपुर, लेट नेसेसरी स्टेप्स बी टेकन विद इन 7 डेज लिस्ट देयर आफ्टर।
इट इज मेड क्लियर दैट पेंडेंसी ऑफ द पिटीशन विल नॉट कम इन वे ऑफ द प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर द ट्रायल कोर्ट।